स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होगा यार। आज मेरे चेहरे की चमक देख के, इतनी हंसी देख के, ये वीडियो का टाइटल देख के समझ गए होंगे हम कहाँ जा रहे हैं। मैं इतना खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरी बहुत बड़ी मन्नत पूरी हुई है। 5-6 साल से जिस चीज़ का वेट था वो चीज़ हुई है और मैं फाइनली जो 3.5 साल से ये इतने बड़े बाल लेके बैठा हूँ उसको अपन दान करेंगे श्री तिरुपति बालाजी के दरबार में। और इस वीडियो में मैंने बहुत सी रिसर्च की है, जो इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगी वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। लाइक बालाजी के दर्शन के लिए पासेस का क्या बंदोबस्त है, पास के बिना कैसे कर सकते हैं, वहाँ पहुँचना कैसे है, वहाँ रुकना कहाँ पे, एवरीथिंग, सारी डिटेल्स मिलेगी। वीडियो को एंड तक देखते रहो। अभी फ़िलहाल मैं हूँ कुर्ला टर्मिनस पे, यहाँ मैं रिक्शे से उतरा और मेरे पीछे है LTT लोकमान्य तिलक टर्मिनस जो कुर्ला में पड़ता है। ट्रेन यहीं से मिल रही थी तो अपन ने वहीं की ट्रेन बुक की है। सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ आगे चल के। अभी फटाफट ट्रेन पकड़ता हूँ, लेट हो रहा है। चलो ऑलराइट गाइस, तो कुर्ला से निकल चुके हैं और अपन कुर्ला मींस लोकमान्य तिलक टर्मिनस से ट्रेन थी अपनी, अपन की ट्रेन है रेणुगुंटा तक, क्योंकि आप मुंबई से तिरुपति जाने के लिए सर्च करोगे तो आपको रेणुगुंटा तक की ही ट्रेन मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा रेणुगुंटा से तिरुपति कैसे जाते हैं एंड सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और बुकिंग तो आप यार IRCTC के वेबसाइट पर देख लो, वही बेटर होगा। क्योंकि क्या है, मैं अभी आपको कुछ बताऊंगा, नई ट्रेन्स भी शुरू हो सकती है, स्पेशल ट्रेन्स भी हो सकती है, तो आप रेणुगुंटा तिरुपति तक कैसे भी पहुंच जाओ उसके आगे की जानकारी तो मैं आपको दे ही रहा हूँ। इतना खुश ना कभी किसी जर्नी के लिए नहीं हुआ भाई, क्योंकि बड़े बाल लड़कियाँ कैसे संभालती हैं मुझसे बेटर कोई नहीं जानेगा। बहुत टफ है यार, खुशी खुशी निकलते हैं मुंबई से। लंबी जर्नी है, टिकट कन्फर्म भी नहीं हुई है, RAC हुई है तो RAC में आधी सीट मिली है, बट पहुंच जाएंगे। 18-19 घंटे का रास्ता है, जैसे जो होगा आगे मिलते हैं। गाइज, इसी जर्नी के साथ ना अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू हो रहा है आई मस्ट से। एंड धीरे धीरे अब जो ब्लॉग्स आने वाले हैं इन फ्यूचर, मे बी आज या एक दो महीने बाद, जो भी ब्लॉग्स आने वाले हैं ना अपने नए चैप्टर से रिलेटेड होगा, तो बहुत एक्साइटेड लाइफ होने वाली है और एक्साइटिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं। राइट गाइस, तो नाइट हो गई है अभी और कलबुर्गी आए हैं। थोड़ा आधा घंटा लेट चल रही है ट्रेन, कुछ 11:45 बज रहे हैं। कलबुर्गी मतलब पहले इसको गुलबर्गा बोलते थे। बहुत कुछ मेरी लाइफ के स्पेशल लोग यहाँ रहते हैं, बहुत खास लोग, जिन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है मेरे बुरे वक्त में। और आने वाले व्लॉग में, मे बी एक दो महीने बाद जब मैं बनाने वाला हूँ सारे व्लॉग्स, तो काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। आपको इन लोगों से भी मिलाऊँगा, मेरे लाइफ के सबसे स्पेशल लोग हैं। और बस अभी उन लोगों से मिल के मैं निकला हूँ और बस अब खाना खा के और सोएंगे और सुबह 8 बजे पहुँचेंगे अपन रेणुगुंटा। तो सुबह मिलता हूँ। राइट गाइस, तो हो चुकी है सुबह 9 बज रहे हैं और अपन उतर चुके हैं रेणुगुंटा। अगर तिरुपति आना है ना तो 2 रेलवे स्टेशन है, एक रेणुगुंटा है और एक तिरुपति खुद एक रेलवे स्टेशन है, बट मुंबई से रेणुगुंटा के लिए ही मुझे ट्रेन मिल रही थी। तो अब यहाँ से अपन को जाना है तिरुपति, यहाँ से डायरेक्ट भी तिरुमला जा सकते हैं, बट तिरुपति जा रहे हैं बिकॉज तिरुपति से अपने को पहले लेना है टोकन दर्शन के लिए। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको तिरुपति पहुँच के देता हूँ। अभी यहाँ से बहुत से ऑप्शन है तिरुपति जाने के लिए, लाइक रिक्शा, बसेस, तो अभी देखते हैं अपन यहाँ से क्या लेते हैं। पहले कुछ नाश्ता करता हूँ और फिर पहुँचते हैं तिरुपति एंड देन तिरुपति से जाएंगे तिरुमला। तो जर्नी में बने रहो। लोकल पैसेंजर ट्रेन आंध्र प्रदेश। तो बस नाश्ता करते हैं, पहले इडली वड़ा लिया है जस्ट ट्राई करने के लिए कि यहाँ का कैसा होता है एंड सबसे सेफ ऑप्शन होता है खाने के लिए, तो बस खाते हैं फिर निकलते हैं। तो रिक्शा ले लिया है शेयरिंग तिरुपति स्टेशन के लिए। कितनी भी प्लानिंग करके आ जाओ बट अब जो होना है वो होके रहेगा, एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। सो गाइज, ये बिल्डिंग है जहाँ पे SSD टोकन मिलते हैं, जो फ्री टोकन्स होते हैं। एंड यहाँ पे आप आके अगर टोकन ले लोगे ना तो आपको 3-4 घंटे में दर्शन हो जाता है। बट जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ड्यू टू वेरी हैवी रश, सैटरडेज़ को इन लोगों ने मतलब वो 1-7-8 अक्टूबर जो भी डेट लिखी थी वो मैं यहाँ दिखा दूँगा, उस पर उन लोगों ने टोकन इशू बंद कर दिया है। डायरेक्ट आपको फ्री दर्शन लाइन विदाउट टोकन वाले में जाके और दर्शन करना है। तो अभी मैं बस पकड़ने जा रहा हूँ और बस पकड़ के फिर डायरेक्ट अपन ऊपर जाते हैं तिरुमाला में। तो नीचे तिरुपति होता है
और ऊपर होता है तिरुमाला। तो ये विष्णु निवासम जो मेरे पीछे बिल्डिंग है, ये आपको यहाँ तिरुपति स्टेशन अगर आ रहे हो तो उसके बाजू में ही है, ये एस्केलेटर के पास। वीकेंड्स को उन लोगों ने टोकन देना बंद कर दिया है, वीकेंड्स एज इन जैसे आज 1 तारीख है और इसके बाद वाले जो 2 वीकेंड है उस पर टोकन नहीं मिलने वाले अक्टूबर में। तो कितना भी प्लान करके आ लो यार, ये टोकन के रूल्स और रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं। तो अभी मैंने प्लान किया कि मैं सीधा जाता हूँ ऊपर तिरुमाला और पहले मुंडन करके डायरेक्ट लाइन में लग के दर्शन करेंगे और आपको मैं बताऊँगा कि टोटल ओवरऑल टाइम कितना जा रहा है, ठीक है। चलो बस ढूंढता हूँ, फाइनली बस मिल गई है भाई। बहुत देर से लाइन में लगे थे, 4-5 बस आ गई, सब बीच में से ही भर जाते, तो हम लोग भी पीछे जाके बीच में ही चढ़ गए थे। तो और मैं तो बोलूँगा प्राइवेट व्हीकल से अगर बार्गेन हो सकता है, अच्छे से कुछ रेट्स मिलता है तो आप वैसे भी जा सकते हो, क्योंकि अगर रश के टाइम पे आ रहे हो, नहीं तो बस से ज़्यादा बेटर। फाइनली अपने को मिल गई है, नॉन एसी बस मिली है, अब जो मिली हम लोग बोले चढ़ जाते हैं और ऊपर पहुंच के फिर आपको पूरा कॉस्टिंग बताता हूँ तिरुपति पहुंचने तक का कितना होता है। इस बैग में चेकिंग करना क्या गया, प्लास्टिक वगैरह के बॉटल्स और बाकी मैं स्क्रीन पर दे दूँगा, वो सब अलाउड है नहीं, तो लेके मत आना। अभी फटाफट बस ढूंढते हैं क्योंकि काफ़ी रश है, तो कोई भी किसी भी बस में चढ़ जाएगा। तो बस से उतर के मैंने सबसे पहले पता किया कि दर्शन के क्या सिनेरियोस चल रहे हैं अभी। तो पता चला मुझे एक ग्रुप मिला था लोगों का जिन्होंने ऑनलाइन पेड वाली टिकट निकाली थी, जो अभी दिसंबर तक अवेलेबल ही नहीं है, तो मैं इसलिए निकाल नहीं सका। तो उन लोगों को पेड टिकट जो टोकन लेके दर्शन करने में 10 घंटे लगे, और जो फ्री के दर्शन कर रहे हैं ना बिना टोकन के डायरेक्ट लग के, क्योंकि अभी टोकन तो इन लोग दे ही नहीं रहे, डायरेक्ट लाइन में लगना है, तो उन लोगों को 30 घंटे लग रहे हैं, मतलब 29 to 30 hours। तो इसलिए मैं क्या सोचा हूँ, मैं सीधे आ गया बाल देने के लिए, बाल दान करने, कल्याण कट्टा बोलते हैं इस जगह को, कल्याण कट्टा आ गया हूँ, बाल दान करता हूँ, उसके बाद नहाता हूँ और सीधे लाइन में लग जाता हूँ, क्योंकि अगर 24 से 30 घंटे लग रहे हैं तो लाइन में लग जाता हूँ ताकि मेरा कल तक हो जाए, क्योंकि कल रात की मेरी रिटर्न ट्रेन की टिकट है। तो आज अगर मैं अभी बज रहे हैं 1:15, तो अगर मैं 4-5 बजे तक भी लाइन में लग जाता हूँ तो कल शाम को 4-5 बजे तक या रात तक 8-9 बजे तक 30 घंटे में मेरे दर्शन हो जाएंगे, तो रात की कल की मेरी 1 बजे की ट्रेन है वो मैं पकड़ सकता हूँ। तो चलो पहले बाल दान कर देते हैं कल्याण कट्टा में, और ये देखो लोग कैसे वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश है यार, बट बहुत एक्साइटिंग और बहुत मज़ा आ रहा है, कुछ अलग एक्सपीरियंस है। और बाय द वे ये आंध्र प्रदेश में मेरा फर्स्ट विजिट है, तो एक और स्टेट विजिट कर लिया अपन ने। एनीवेज आओ ना तो श्रद्धा लेकर और खुश होकर मस्ती करते हुए आओ तो मज़ा आएगा, नहीं तो परेशान हो जाओगे भीड़ देख के। चलो मैं बाल दान करता हूँ, फाइनली मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था इस चीज़ के लिए, वाह। तो भाई यहाँ से हम अंदर आए चल चल के, ये शू स्टैंड दिखेगा आपको, यहाँ पे कहीं पे भी आप शू रख सकते हो। मैं प्रेफर करूँगा कि कोई भी स्टैंड के ऊपर ना, ऊपर रख दो ताकि नंबर याद रहे, और देखते फिर मिला तो मिला। मैंने अभी पता किया बाल के लिए भी टोकन नहीं दे रहे, डायरेक्ट लाइन है, डायरेक्ट जाके करवाने का है, तो अभी मैं जा रहा हूँ और करवा लेते हैं। बहुत लाइन है बट एक्साइटमेंट है फाइनली। टोकन मिल गया एक्चुअली, अंदर बहुत लंबी लाइन है और अपना हॉल नंबर 1 है। इतने बड़े बाल देख के सोचते हो गए कि दुख नहीं हो रहा है क्या, तकलीफ नहीं हो रही क्या, हो रही है। 3.5 साल से बड़ा है, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि अब मेरे को हेलमेट पहनने के पहले सोचना नहीं पड़ेगा, नहाने के पहले सोचना नहीं पड़ेगा, सोने के पहले बाल ठीक नहीं करने होंगे, घर में बाल नहीं पड़े होंगे, तो बहुत फ़ायदे हैं। चलो गाइस, तो फाइनली मुंडन करा के और बाल दान करके हो गया है। अब जाता हूँ फटाफट बात लेता हूँ और फिर लग जाऊँगा मैं सीधे लाइन में, और फिर शायद आपसे मिलूंगा कल, क्योंकि लाइन में फ़ोन वगैरह अंदर अलाउड नहीं होता।
गाइज आप लोग को बता देता हूँ, ये देखो ये रहा सीआरओ ऑफिस एंड काफ़ी लंबी लाइन है बिकॉज बहुत रश चल रहा है। ये लाइन जो आ रही है ना जहाँ से वहाँ नीचे भी बहुत लंबी लाइन है एंड ये अंदर भी कितनी लंबी होगी। और वैसे भी मैं आपको बताता हूँ कि सिंगल और अनमैरिड कपल्स को रूम अभी नहीं मिलता है, और रूम पहली बात रूम के लिए लाइन में लगने का टाइम ही नहीं है, तो टोकन है नहीं और ऑनलाइन दर्शन का कुछ था नहीं, तो अब बस 24-25 घंटे लगेंगे लाइन में लगता हूँ और आपको एग्जैक्ट बताऊँगा कितना टाइम लग रहा है। ठीक है गाइस, तो बाल डोनेट करके हो गया है, उसके बाद अपन आ गए मस्त बात लेने के लिए। लेकिन उससे पहले मैंने आपको सीआरओ ऑफिस तो बताया था, तो वो जब सीआरओ ऑफिस से आप जब सीधा आएंगे ना यहाँ पे, तो मस्त 2 मिनट चलने पे आपको ये मिलेगा यात्री सदन। एंड यात्री सदन की खास बात यह है कि अगर आपको रूम्स नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ पे आके आपको लॉकर्स मिल जाएंगे। लॉकर्स भी अगर नहीं मिले तो एटलीस्ट आप नहाने धोने का अपना बाथ वॉशरूम सब कर सकते हो और अपना चादर वादर बिछा के सो भी सकते हो। लोग बहुत मस्त आराम कर रहे थे, मैंने भी वहीं बात लिया और अब अपन रेडी हैं। अब थोड़ा कुछ खा लेते हैं, भूख लगी है, दोपहर के बज रहे हैं 3 और उसके बाद जाएंगे सीधा लाइन में लगेंगे। सुनने में आ रहा है कि 30-35 घंटे की लाइन भी हो चुकी है, तो देखते हैं वहाँ जाके क्या हाल है। एक्साइटमेंट में मैं लाइन में लग के दर्शन कर ही लूँगा, मुझे पता है, तो फटाफट बस खा के निकलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते बिकॉज जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी नंबर आएगा। चलो लुक एट द रश गाइस, ऐसा लग रहा है कि कितना बड़ा मेला लगा हुआ है और सब जा रहे हैं। बहुत रश यार, इतना रश मैंने आज तक लाइफ में जितने भी मंदिर विजिट किए हैं किसी के लिए नहीं है। देखो ये सर्कल आप ध्यान में रखो, ये सर्कल है सप्तगिरी गेस्ट हाउस, वो बोर्ड है ये आपको इजीली पता चल जाएगा। ये सर्कल के यहाँ पे ही देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको जहाँ जाना है जैसे जाना है, क्योंकि मैं भी जब आया था ना तो बहुत पूछना पड़ा था, बट जब मैं यहाँ आ गया तो मुझे सब इन्फॉर्मेशन है कि क्या चीज़ कहाँ पे है। लग रहा है तिलक, देखो ना। वैसे यहाँ पे ना बहुत फोटोज खिंचाने के लिए लाइन रहती है, देखो ये सर्कल पे ही है। टीका लगा के क्या लग रहा हो यार मैं, वाह। बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा लाइन है गाइस, सब बोल रहे हैं कि अराउंड 30 आवर्स अभी जा रहा है एंड लगते हैं लाइन में। अब आ गए तो दर्शन करके ही जाएंगे एंड होपफुली, क्योंकि बहुत से लोग हैं और मैंने अभी सुना है कि कुछ लोग यहाँ स्ट्राइक भी कर रहे हैं कि इतना टाइम क्यों लग रहा है फ्री दर्शन के लिए। सो लेट्स सी क्या सीन होता है, दर्शन करके ही आपसे मिलूँगा। अब कैसा है कि 30 आवर्स की लाइन है, अगर सच में 30 आवर्स लग गए, मेरी बैटरी बची है कुछ 25%, तो मैं आपसे डायरेक्ट दर्शन के बाद मिलूँगा अगर बीच में कुछ नहीं रहा इंपॉर्टेंट बताने का तो, या अगर ये बंद हो गया दर्शन होते होते तो आपको डायरेक्ट मैं नीचे जाके होटल में मिलूँगा या देखूँगा कहीं पर चार्जिंग पॉइंट मिलता है तो। कैसा है तिरुपति में चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं लेकिन इतना रश है ना उस पर से चार्जिंग पॉइंट वगैरह भी कुछ भी खाली नहीं। आप देख रहे हो अगर जो आया होगा तिरुपति पहले, अन्नप्रसाद जो है अन्नप्रसाद सेंटर उसका जो बस स्टॉप है यहाँ तक लाइन लगी हुई है यार। तो देखो लोग कैसे बैठे हुए हैं साइड में। चलो जय बोले कोई, मैं सोचा था अन्नप्रसाद कर लेंगे लेकिन अन्नप्रसाद करने का टाइमिंग होता है यार 4 बजे तक लंच का टाइम था, वो बंद हो के अभी 5 बजे खुलेगा डिनर टाइमिंग के लिए। बट कैसा है ना अभी 5 बजे खुलेगा और ऑलरेडी उसके लिए बहुत लाइन है, तो अगर मैं उसका वेट करूँगा तो फिर भगवान के दर्शन की लाइन के लिए कब लगूँगा। और इस वक्त खाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दर्शन है, क्योंकि खाना तो लाइन में भी मैंने सुना है लाला के पानी खाना खिलाते पिलाते रहते हैं, तो और भूख लगी भी नहीं है, तो अपन चलते हैं उस दर्शन की लाइन में लगते हैं यार। चलो ठीक है, अब शायद मैं आपको कल ही मिलूँगा क्योंकि दर्शन की लाइन भी बहुत लंबी है और बैटरी लो हो रही है। दर्शन करके आए यहाँ पे और बहुत सी वीडियोस में देखा था यहाँ पे नारियल चढ़ा सकते हैं एंड ऑल, बट आप रश का सोचो कितना अंदाज़ा लगा लो कि यहाँ पे भी इतना रश है कि गिल नहीं पा रहे हैं। यार मैंने सोचा था कि हो जाएंगे दर्शन 8-9 घंटे में लेकिन साला
24 से 26 घंटे लग गए, हालत ख़राब है। बट यहाँ ये सीन देख के ना इतना अच्छा लग रहा है, मज़ा आ गया। सो गाइज, जैसे कि मैंने बोला, दर्शन करके हो गए 24 से 26 घंटे लगे। देखो दर्शन तो क्या है यार, मतलब श्रद्धा से बस जाओ, क्योंकि वहाँ तो लाइन ऐसे फास्ट फास्ट भगाते हैं ना कि आपको बस जब तक हल्के से दिखेंगे भगवान एक तो क्या बोलूँ मैं, मतलब बहुत फास्ट फास्ट था, बहुत रश है। और अंदर ही आप जब लाइन में रहोगे तो आपसे बैग वगैरह सब जमा कर लेते हैं, जो आप यहाँ बाहर आओगे तो आपको बाहर मिल जाता है काउंटर पर जाके। बस अभी जाते हैं वहाँ पे, पुष्करणी लेके जो मैंने देखा था, जो देख के शायद मेरा मूड खुश हो जाए, मैंने बहुत से वीडियो में देखा है बहुत ब्यूटीफुल लेक है यार, तो वो लेक देखते हैं। नहाऊंगा तो नहीं, क्योंकि अब बहुत थकान हो रही है और अभी आज की अपनी ट्रेन है रात की, तो सब जल्दी जल्दी करना है यहाँ पे दर्शन और जो भी बाकी जगह देखनी है और निकलना है। मेरा सर बहुत दुख रहा है, कल जब से मैंने कल से मुंडन करवाया ना तब से बहुत दुख रहा है। गाइस ये रही पुष्करणी लेक, और अगर यहाँ पे आ रहे हो ना यार तो एक बार ये एक्सपीरियंस ज़रूर ले लेना पुष्करणी लेक में नहाने का। मेरी तो हालत टाइट हो गई है, मैं क्या एक्सपीरियंस लूँ, क्या कुछ करूँ। मैं बस सोचा आपको ये एक चीज़ बता दूँ निकलने से पहले, तो ये रही वो जगह। लड्डू के लिए इतनी लाइन है और एक आदमी को दो ही लड्डू दे रहे हैं, और मुंबई से जब निकला था तो किसी को दो चाहिए किसी को चार, सबको लड्डू चाहिए थे। कहाँ से तू सबको लड्डू? कल्याण कट्टा यहाँ मेरे पीछे रहा, जहाँ पे अपन ने बाल दान किए थे उसी के गेट के वहाँ से मैं बाहर निकल रहा हूँ। और यहाँ पे एक दो शॉप थी मस्त फ़ोटो वगैरह वाली, बट मैंने सोचा फिर कभी लेंगे, क्योंकि एक ही मंदिर में सेम भगवान की कितनी फ़ोटो रखेंगे। अपने पास विष्णु भगवान के बहुत अलग अलग रूप की फ़ोटो है, बट स्टिल आगे मार्केट में देखूंगा अगर कुछ अच्छा और सस्ते में मिल रहा है तो, क्योंकि ये लोग तो कुछ भी प्राइस बोल रहे हैं, 2,000-3,000 ऐसे। गाइस तो मैं पहुंच चुका हूं रेणुगुंटा स्टेशन। मुझे तो समझ में ही नहीं आया लास्ट टाइम आपसे कब बात किया था, अभी एडिटिंग में पता चलेगा कि मैंने लास्ट टाइम फ़ोन कब उठाया था। इतने हालत ख़राब है ना पैरों की, और सच बोलूं तो सर भी बहुत दुख रहा है। बट एनीवेज अब पहुंच चुका हूं मैं रेणुगुंटा स्टेशन। आप देख सक रहे हो आजू बाजू में जो भी है, एरिया देख के वाइब तो पता चलती होगी, फ्लैश लाइट ऑन करके करना पड़ रहा है। तो रेणुगुंटा स्टेशन पहुंचा मैं, एक्चुअली मैं आ गया था 3-4 घंटे पहले और मैंने होटल ले लिया पहले। मैंने सोचा स्टेशन पर जाके बैठूंगा, पता नहीं क्या हालत होगी, बीमार ना हो जाऊं, तो 3 घंटे के लिए मैंने होटल लिया था और होटल में मस्त सो गया 3 घंटे। और अभी रेणुगुंटा आके मैंने सोचा यहाँ खाना खाऊंगा, बट उससे पहले आपको बता देता हूँ, सारा गाइड कर देता हूँ कि कैसे आना है, क्या आना, क्या है एक्सपीरियंस ओवरऑल। प्लीज़ आप लोगों को तिरुपति आने के लिए ना सबसे ईजी वे है कि आप दुनिया के और इंडिया के किसी भी कोने में हो, आपको तिरुपति आना है तो तिरुपति स्टेशन की ट्रेन पकड़नी है या तो रेणुगुंटा की। मुंबई से रेणुगुंटा की ही मिलती है, जहाँ मैं अभी आया हूँ, मेरी रिटर्न ट्रेन भी यहीं से है। रेणुगुंटा आके आप तिरुपति चले जाइए, और अगर तिरुपति स्टेशन ही आ रहे हैं तो तिरुपति चले पे ही रहेंगे आप, वहाँ से आपको बस मिल जाएगी। बसेज है, गवर्नमेंट बस चलती है, 200 रुपये एसी बसेस का है रिटर्न, और 160 रुपीज़ नॉन एसी बस का है रिटर्न, तो वो एक कर सकते हो आप। और उसके बाद वहाँ जाओगे तो वहाँ पे फ्री में बस हैं जो आपको यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट छोड़ेंगे। अब रही बात वहाँ पे रूम्स वगैरह की, तो सीआरओ ऑफिस जाना है, तो रूम्स आपको अनमैरिड कपल्स और सिंगल लोगों को अलाउड नहीं है, तो फैमिली रहेगी या मैरिड कपल्स हैं वगैरह तो आपको रूम मिल जाएगा। रूम का मैंने सुना था अभी बहुत रश था, तो रूम के लिए भी 3-4 घंटे 5 घंटे की वेटिंग थी आफ्टर यू टेक रूम का टोकन, तो वो एक चीज़ हो गई। अब रही बात दर्शन की, तो दर्शन के लिए एक टोकन होता है शीघ्र दर्शन, जो ऑनलाइन तिरुपति जी की वेबसाइट से मिलता है, 300 रुपये लगते हैं, बहुत 3 महीने पहले आपको बुक करना पड़ेगा, और वो सच बोलूँ तो IRCTC रेलवे की तत्काल ट्रेन बुकिंग से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो वो अगर आपको मिलती है तो बेस्ट है। अभी वैसे इतना रश था कि उन लोगों को भी 10 घंटा लग रहा था, ठीक है। दूसरा टोकन है जो आपको यहाँ आके मिलता है बस स्टॉप पे, तिरुपति के श्रीनिवासम करके जगह है वहाँ से, और रेलवे स्टेशन पे विष्णु निवासम करके जगह है वहाँ पे, टोकन मिलेगा आपको, उसको बोलते हैं सर्वदर्शन विद टोकन। अब अभी बंद है और वीकेंड्स पे बंद है, अक्टूबर के वीकेंड्स में मत आओ, बहुत रश है, तो वो टोकन ही नहीं दे रहे। जैसे मैं गया था मुझे 25-26 घंटे लग गए दर्शन के लिए बिना टोकन के। तीसरा दर्शन वही है सर्वदर्शन विदाउट टोकन जो मैंने किया, और चौथा टोकन मिलता है जो आप सीढ़ी से चल के अगर जा रहे हैं तो सीढ़ी से चल के जाएंगे तो उसको बोलते हैं दिव्य दर्शन टोकन, और वो सिर्फ वॉकिंग जो चल के जाते हैं उन लोगों को मिलता है जहाँ तक मुझे पता है।
तो ये हो गया दर्शन की बात। अब मैं रिटर्न, मतलब आपसे कब मैंने बात की है आज आफ्टरनून में, मुझे शाम को पता ही नहीं। रिटर्न जब आओगे तो आपको देखो वहाँ होटल नहीं मिल रहे, तो तिरुपति में काफ़ी अच्छे डिसेंट होटल मिल जाएंगे 600-700-800 रुपए में, 1000-1500 में काफ़ी अच्छे डिसेंट ही मिलेंगे। बट अगर थोड़ा अच्छा आपको, आपके ऊपर है आपको कैसा होटल चाहिए, हम कैसे रात बिता सकते हैं उस हिसाब से। तो ऑल राइट गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, शॉर्ट बाय अमित, एंड बस वही लाइक करो, शेयर करो, बहुत सारा सब्सक्राइब करो, एंड एज ऑलवेज प्यार बनाए रखिए।